सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू ते लैके हाज़र होया जी अज दे दिन दीआं सुबह दीआं ताज़ा तरीन खबरां। गलबात करांगे भारत ते पंजाब सूबे दीआं ताज़ा वड्डियां खबरां दी। इन्हां खबरां नूं शुरू करन तों पहले इक वारी नज़र मार लैंदे आं चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है पंजाब दे मुख्यमंत्री लई सिग्गू बॉर्डर तों आई बुरी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू नूं सता रिहा नवां डर। हर करोना मृतक के परिवार वाले नूं 50,000 देवेगी केंद्र सरकार। एससी विच दित्ता जवाब। कैप्टन ने किया वड्डा ऐलान। सिद्धू नूं सीएम बनने तों रोकण लई कुर्बानी देण नूं तैयार। अमरिंदर सिंह की तनखाह बंद। कैबिनेट ब्रांच ने लगाई तनखाह ते रोक। कैनेडा जाने वाले भारतीयों लई अहम खबर। हुण 26 सितंबर तों बाद सीधी उड़ान शुरू। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों सिंगल पेरेंट दे बच्चों दा स्कूलों च दाखला यकीनी बनाउण दे हुक्म जारी। पंजाब वजारत चों इन्हां चेहरियां दी हो सकती है छुट्टी, इन्हां नूं मिल सकती है थां। पंजाब दे मुख्यमंत्री वालों हरियाणा दे मुख्यमंत्री नाल मुलाकात। किसानां नूं 6,000 रुपए का फायदा देवेगा सरकार दा एक खास ऐप। इंज करो रजिस्टर। सुखबीर बादल ने किया वड्डा दावा। कई कांग्रेसी आगू अकाली दल विच होणगे शामिल। पुलिस विच भर्ती प्रीख्या लई कीते सख्त सुरक्षा इंतजाम। SSP। किसानां ने 27 सितंबर नूं भारत बंद कामयाब करन लई घड़ी रणनीति। पंजाब समेत कई सूबे च इनकम टैक्स की रेड। 350 करोड़ रुपए के बेनामी फंड का पर्दाफाश। तो दोस्तों ये सी अपने समय दीआं चोणवीआं खबरां। हुण गल करदे आं जी पहली वड्डी खबर की। उस तो पहले जिन्हां दोस्तों ने अपने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया जां जिहड़े दोस्त मित्र अपने चैनल पर नवे आए हैं चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लैन ते नाल लगे घंटी के बटन में जरूर जरूर दब लो तां जो जिहड़ियां असीं खबरां पाया करांगे उहदी तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाया करूगी। तो नाल ही जे साडे द्वारा दित्ती जानकारी तुहानूं वधिया लगदी तां कृपा करके अपनी वीडियो में लाइक जरूर करा करो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद होगा क्योंकि तुहाडे लाइक करने नाल सानूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। इसलिए वीडियो नूं वध तों वध लाइक जरूर करना। तो हुण गल करदे आं जी पहली वड्डी खबर की। पंजाब दे मुख्यमंत्री लई सिग्गू बॉर्डर तों आई बुरी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू नूं सता रिहा नवां डर। तीनों केंद्रीय खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली हरियाणा के सिग्गू बॉर्डर से 27 नवंबर 2021 तो धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल नाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लई भी दिल्ली हरियाणा के सिग्गू बॉर्डर तो बुरी खबर आई है। असल में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अंदोलनकारी किसानों को मिलने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान सिग्गू बॉर्डर से बैठे किसानों वालों कहा गया कि पंजाब के सीएम को इतने मंच नहीं मिलेगा बल्कि पंडाल में बैठ के बाकी किसानों तो गल्लां सुननियां पैणगियां। उन्होंने भाषण देने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। इस गल तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी सहम गए ने। असल में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने दौरान इच्छा प्रगटाई थी कि वह प्रदर्शनकारी किसानों को जाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने शायराना अंदाज में यह भी कहा कि वह प्यासे हैं तो किसान खूह कई महीने बीत जाने दौरान कित वह अपमानित ना हो जाए। दसया जा रहा है कि वाकपुर से चप्पल नवजोत सिंह सिद्धू किसी मंच से जान और बिना बोले वापस आ जाए ये मुमकिन नहीं। अजिहे विच नवजोत सिंह सिद्धू ये तय नहीं कर पा रहे कि वह किसानों के विचकार जान तो किवें जाना। हर करोना मृतक के परिवार वाले नूं 50,000 देवेगी केंद्र सरकार। एससी विच दित्ता जवाब। सुप्रीम कोर्ट विच दित्ते एक जवाब विच केंद्र सरकार ने कहा कि वह हरेक करोना मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देवेगी। मुआवजे की यह रकम राज्य के आपदा राहत फंड तो पीड़ित के परिवारों को दी जाएगी। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली कौमी आफत प्रबंधन अथॉरिटी यानी NDRF ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके करोना नाल संबंधित मौतों के मुआवजे की रकम और प्रतिक्रिया बारे जानकारी दी। इस तो पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पटीशन दायर करके मांग की गई थी कि करोना कारण मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। नियमों अनुसार कुदरती आफत कारण मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाता पर करोना कारण मरने वाले की गिनती तो बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे देने तो इनकार कर दिता सी। कैप्टन ने किया वड्डा ऐलान। सिद्धू नूं सीएम बनने तो रोकने लई कुर्बानी देने नूं तैयार। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक बार फिर सूबा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते निशाना साध्या। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप के करीबी KC वेणुगोपाल
अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला भी निशाना बनाया। कैप्टन ने कहा कि वह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनन तो रोकने कोई भी कुर्बानी देने तैयार ने। मैं आगामी विधानसभा चोणों में सिद्धू के विरुद्ध एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारांगा। जे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं तो कांग्रेस दोहरे अंकों में भी पहुँच जाए तो यह बड़ी गल होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने सबका मुख्यमंत्री का बयान जारी किया है। अमरिंदर सिंह की तनखाह बंद, कैबिनेट ब्रांच ने लगाई तनखाह ते रोक। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो लांभे करने तो बाद हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह की तनखाह भी रोक दी गई है। अमरिंदर सिंह नूं सितंबर महीने की मिलने वाली 1,54,000 रुपए तनखाह नहीं मिलेगी। इस संबंधी बकायदा आदेश तक जारी किए जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह नूं हुण तों बाद पंजाब सरकार विच कैबिनेट ब्रांच का लेखा शाखा कोई भी तनखाह जारी नहीं करेगी। अमरिंदर सिंह नूं सिर्फ 18 दिनों की 90,000 रुपए ही दिए जाएंगे। बाकी रहिंदे दिनों की तनखाह कैबिनेट ब्रांच की लेखा शाखा विचों जारी नहीं की जाएगी। जानकारी अनुसार पंजाब की सत्ता में आने तो बाद मुख्यमंत्री सने जिहड़े विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंदे ने उन्होंने लखां रुपए में तनखाह पंजाब सरकार की कैबिनेट ब्रांच अधीन आउंदी लेखा शाखा वालों जारी की जाती है। अमरिंदर सिंह भी बतौर मुख्यमंत्री हर महीने 1,54,000 रुपए तनखाह के तौर पर दिए जाते सन जो कि हुण बंद कर दिए गए हैं। कैनेडा जाने वाले भारतीयों लिए अहम खबर, हुण 26 सितंबर तो बाद सीधियां उड़ाना शुरू। COVID-19 महामारी के खतरे के मद्देनज़र कैनेडा ने हुण भारत तो आने वाली व्यापारक निजी यात्री उड़ाना ते पाबंदी 26 सितंबर तक वधाउण दा ऐलान किया है। पहला यह पाबंदी 21 सितंबर तक सी जो कल खत्म हो गई है। भारत में COVID-19 की दूजी लहर के मद्देनज़र कैनेडा ने अप्रैल में भारत आउण अते जाण वालियां सारियां सीधियां उड़ाना ते पाबंदी लगा दित्ती सी। उस समय तो उड़ाना मुड़ शुरू करने की तारीख कई बार मुलतवी की गई है। एक बयान के अनुसार कैनेडियन सरकार महामारी की स्थिति ते नेड़ियों नज़र रखना जारी रखेगी अते स्थितियां दे मद्देनज़र सीधी उड़ाना की सुरक्षित बहाली लई उचित प्रक्रियावां की पालना नूं यकीनी बनाउण लई भारत सरकार अते एयरलाइन संचालकां नाल मिल के काम करना जारी रखेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों सिंगल पेरेंट के बच्चों का स्कूलों दाखिला यकीनी बनाउण दे हुक्म जारी। सिंगल पेरेंट्स दीयां समस्यावां नूं ध्यान में रखते हुए पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग ने उन्होंने बच्चों बिना किसी रुकावट के स्कूलों में दाखला देने के निर्देश जारी किए ने। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब के एक बुलारी ने दसा कि इस वेले दाखला फार्म से बच्चों के माता पिता दोवां का नाम दर्ज करने की व्यवस्था है। इस कारण इकले रह रहे मापियां अपने बच्चों स्कूलों में दाखिल करवाने समय कई तरह दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। इन्हां समस्यावां नूं ध्यान में रखते हुए डायरैक्टर स्कूल सिक्ख्या विभाग ने जिला सिक्ख्या अधिकारियों और स्कूल मुखियों नूं पत्र जारी कर दिता है। इन्हां निर्देशों में सारे सरकारी मदद प्राप्त एडिड अएडिड स्कूलों नूं किसी भी कारण इकले रह रहे मापियां दे बच्चों नूं स्कूल 'च दाखला देने तों इनकार ना करन लई कहा गया है। पंजाब वजारत विचों इन्हां चेहरियां दी हो सकती है छुट्टी ते इन्हां नूं मिल सकती है थां। पंजाब दे नवें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे मंत्रिमंडल विच लोक मना दे नेड़े रहिंदे नेताओं नूं शामिल करन लई कांग्रेस हाई कमांड साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दी कैबिनेट दे सारे मंत्रियों दे सर्वेखण नूं ध्यान विच रख रही है। दस्सिया जा रहा है कि इस दे कारण मंत्रिमंडल दे गठन विच थोड़ी देरी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रैस दी रिपोर्ट दे अनुसार पार्टी ने उन्हां कांग्रेसी विधायकों के नावों नूं अंतिम रूप नहीं दिता जिन्हां नूं मंत्रिमंडल विच शामिल किया जाना है। इतों तक कि चन्नी उन्होंने दो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा मैंबर अंबिका सोनी और जनरल सकत्र इंचार्ज हरीश रावत नाल दिल्ली में दो वख-वख मीटिंगां विच मुलाकात की है। मामले की जानकारी वाले सूत्र ने दस्सिया कि हाईकमान ने पहला ही सारे विधायकों का सर्वेखण कर लिया तो वह हुण यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उही विधायक जो हरमन प्यारे हैं और दागी नहीं हैं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों हरियाणा के मुख्यमंत्री नाल मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाल मुलाकात की। इस मौके खट्टर ने चन्नी नूं बुक्का दे के सन्मानित किया। इस मौके दोहां आगुआं नाल आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों 6,000 रुपए का फायदा देवेगा सरकार का एक खास ऐप, इंज करो रजिस्टर। किसानों को खुश रखने लिए मोदी सरकार नवी सहूलत दे रही है। केंद्र सरकार की किसानों लिए सब तो वड्डी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है।
इस स्कीम तहत किसानों हर तिमाही 2000 रुपये जानी 6000 रुपये सालाना दिते जाते हैं। यह पैसा सीधा लाभपाती के बैंक खाते में जाता है। ऐसी योजना लियाने पिछे सरकार का मकसद यह है कि किसानों की आमदन दुगनी की जाए। हुण तक देश के 12 करोड़ तो वध छोटे ते दरमियाने किसानों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। इस योजना तहत हुण तक किसानों 1.6 लाख करोड़ रुपये तो वध दिते जा चुके हैं। हुण सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभपातियों लिए एक ऐप भी लॉन्च की है, जिस ते रजिस्टर करके किसी भी किस्म की समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। आओ असी तुहानू दस दें कि तुसी इस ऐप नू डाउनलोड करके किवें रजिस्टर कर सकते हो। जे तुसी एंड्रॉयड फोन की वरतों करते हो तो तुसी गूगल प्ले स्टोर से जाके PM किसान गोल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्टर करने लई तुहानू पहला नवी रजिस्ट्रेशन के नाल लिंक ते क्लिक करना पवेगा। इस तों बाद आधार नंबर दर्ज करो ते अपने राज दा नाम चरो। उस तों बाद चित्र कोड जाने के कैप्चा कोड दर्ज करो। जानकारी भरन तों बाद तुहानू नाम, पता, बैंक खाते का वेरवा, IFSC कोड दर्ज करना पवेगा। इस तों बाद तुहानू जमीन के वेरवे भरने पैणगे, जिवें कि खसरा नंबर आदि। सारे वेरवे भरन तों बाद सबमिट करन ते सबमिट बटन ते क्लिक करो ते तुहाडी मोबाइल रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। इस तों अलावा किसान किसी भी तरह की पुछगिछ लई PM किसान हैल्पलाइन नंबर 1552-61-24-30-6-06 की वरतों कर सकते हैं। स्कीम का लाभ लैन लई तुसी अपने नज़दीकी CSE काउंटर उत्ते जाके रजिस्टर कर सकते हो। मोबाइल ऐप नाल रजिस्टर करन दे लाभ बारे गल करदे तुसी इस ऐप ते किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के भुगतान की स्थिति नूं जाण सकदे हो। आधार नंबर के तहत नाम की सोध की जा सकती। तुसी स्कीम बारे सारा डिटेल विच जाण सकदे हो। सुखबीर बादल ने किया वड्डा दावा, कई कांग्रसी आगू अकाली दल विच होणगे शामिल। लुधियाना तो कांग्रसी आगू जगदेव सिंह बोपा राय कल श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होए। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बोपा राय नूं पार्टी विच शामिल किया। सुखबीर बादल ने कहा कि आने वाले समय में होर भी बहुत सारे कांग्रसी आगू अकाली दल विच शामिल होणगे। चंजी सिंह चन्नी दे मुख्यमंत्री बनन बारे उन्हां कहा कि होर किसी होर दा नां चल रहा सी अते बन कोई होर गया। उन्हां कहा कि इस तों इह साबित हुंदा कि कांग्रेस विच फैसला हाईकमांड लैंदी है। सुखबीर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भी यही हालत है, जिथे पंजाब के सारे फैसले दिल्ली तो ले जाते, जबकि उन्होंने पार्टी में सारे फैसले पंजाब के आगुओं वालों पंजाब को ध्यान में रख के ही ले जाते हैं। पुलिस में भर्ती प्रीख्या लिए किए सख्त सुरक्षा इंतजाम। SSP पंजाब पुलिस भर्ती होने सिपाही प्रीख्या जो 25 और 26 सितंबर को होनी, इस संबंधी जिला पुलिस मुखी चरणजीत सिंह सोहल वालों मीटिंग आयोजित की गई है। मीटिंग में राजपाल सिंह हुंदल, SSPD हरविंदर सिंह चीमा, DSP जसपाल सिंह, DSP प्रीख्यावां दे सेंटरां दे प्रिंसीपल मुखी तो इलावा हरजिंदर सिंह जिला मुखी, TCS कंपनी तो इलावा अधिकारी कर्मचारी हाजिर सन। इस मौके SSP चंज सिंह सोहल ने दसा कि 26 सितंबर 2021 पंजाब पुलिस दे सिपाही प्रीख्या लई जिले अंदर 15 प्रीख्या सेंटर बनाए गए, जिन्हां चों 9 सेंटर मुकतसर दे ते 6 सेंटर मलोड़ दे ने। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद कामयाब करने लिए कड़ी रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिते 27 सितंबर को भारत बंद के सद्दे ते संबंध में किसान संघर्ष कमेटी अर्बन स्टेट वालों एक अहम मीटिंग की गई। किसान आगुओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 27 सितंबर को जो भारत बंद का सद्दा दिता उसनों सफल बनाने लिए भारत बंद में हर वर्ग उन्हां दा साथ देवे। उन्हां कहा कि यह तिने काले कानून जिथे किसान विरोधी ने उत्थे व्यापारियों ते दुकानदारां लई भी बहुत घातक ने। इस संबंध में उन्होंने वालों बटाला गांधी चौक में सवेर तो ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके किसान मनवीर सिंह रंधावा, रुपिंदर सिंह शामपुरा, गुरविंदर सिंह जौली का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो भारत बंद का सदा दिता है उसनों सफल बनाने लिए भारत बंद में हर वर्ग च उन्हों का साथ देने की अपील की जाएगी, अनाउंसमेंट करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह तिने काले कानून जिथे किसान विरोधी हैं उत्थे व्यापारियों के दुकानदारों भी बहुत घातक ने। पंजाब समेत कई सूबे च इनकम टैक्स की रेड 350 करोड़ रुपये की बेनामी फंड का पर्दा फाश। अज की लास्ट से बहुत ही अहम खबर है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सटाइल ते फिलामेंट यारन के निर्माण च शामिल एक प्रमुख कारोबारी समूह के छापेमारी तो बाद करोड़ों रुपए के काले धन जाने के ब्लैक मनी का पता लगाया है। यह छापेमारी 18 सितंबर को दिल्ली, पंजाब के कोलकाता च कंपनी के कारपोरेट ऑफिस समेत ग्रुप के होर स्थानों पर की गई सी। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड जाने कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस CBDT अनुसार इस ग्रुप ने करीब 350 करोड़ रुपए का
बेनामी फंड अपने विदेशी खातों में जमा करवाया तो फिर टैक्स हैवन देशों तो सेल कंपनियों के राही इस भारत में अपने व्यापार में लगाया गया। छापेमारी च विभाग को अजिहे कई सबूत मिले ने जिन्हों तो यह साबित होंगे कि कंपनी ने अपनी अकाउंट बुक तो बाहर लैन देन काम किया हो जमीनी सौदों से कैश लैन देन किया अकाउंट बुक्स में फर्जी खर्च दिखाए तो कैश खर्च में छिपाया। विभाग अनुसार ग्रुप ने करीब 350 करोड़ का बेनामी फंड अपने विदेशी खातों में जमा करवाया तो फिर टैक्स हैवन्स देश तो शैल कंपनियों के राही इन्होंने भारत में अपने बिजनेस में लगाया। ग्रुप दी विदेशी इकाइयां ने फॉरेन करंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के राही भारतीय कंपनियों में निवेश किया तो फिर पेमेंट में डिफॉल्ट की आड़ च इस कंपनी के शेयरों में बदल दिता है। तो दोस्तों ऐसियां अपनियां अज दिन भर दी ताज़ा वड्डियां खबरां साढ़े द्वारा दी जानकारी तुहानू किस तरह की लगी सानू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दसना। असी हाजिर होवांगे तुहाडे लई इसे तरह दीआं होर नवीं ते ताज़ा खबरां नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सति श्री अकाल। जद है हर परेशानी का हल, क्यों हो परेशान, 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी का हल। बाबा फतेह खान, संपर्क करो 90416 24372। लव मैरिज, प्यार च धोखा, प्रेमी प्रेमिका च झगड़ा, सौतन दुश्मन का खात्मा, विदेश यात्रा, कर्जा मुक्ति, औलाद सुख, बीमारी च दवा ना लगना। लाटरी नंबर पाओ भावे 649 हो लोटोमैक्स, गुप्त वशीकरण कराओ, मन चाह प्यार पाओ। प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। 90416 24372।